औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा क्लास फर्स्ट ईयर। इसके अंदर मैं जो बुक अमरानियात है उसके मैं आज जो है वो नंबरों की तकसीम के बारे में बताऊँगा कि कौन सा जो है वो पार्ट कितने नंबर का आता है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। पंजाब के तमाम बोर्ड्स के तरीका इम्तहान पार्ट वन के मुताबिक वो कौन कौन से बोर्ड है जी? लाहौर, फैसलाबाद, रावलमंडी शामिल है, मुल्तान, गुजरांवाला, सरगोधा, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, ये पंजाब के बोर्ड हैं। ठीक है, और हिस्सा जो इंशाइया है इसका, इससे कुल नंबर जो है वो 80 यानी कि 80 नंबर का होता है। इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर एक है मुख्तसर सवालात, वो है 15 नंबर के। कितने नंबर के? 15 नंबर के आने हैं आपको जो है वो मुख्तसर सवालात। फिर नेक्स्ट मौजूई सवालात यानी कि जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन, वो आने हैं 30 नंबर के, 30 नंबर के, और ये टोटल नंबर हमारे पास कितने बनते हैं? 80 नंबर बनते हैं, 80 नंबर। बाकी बच गए हमारे पास 20 नंबर। और इसके अंदर एक ख़ास बात यहाँ पर जो है वो आप नोट करें, इस हिस्से में 33% चॉइस है, यानी कि आपको जो चॉइस मिलेगी वो 33%। अब चॉइस क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं तो आपको जो है वो 8 से 9 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, तो उसमें से आपने 5 करने हैं, इसको कहते हैं 33% चॉइस है। ठीक है, फिर चलते हैं मरूजी हिस्सा। मरूजी हिस्सा कुल नंबर जो है वो 20 का है। कसीर अल इंतखाबी सवालात MCQs इसको बोलते हैं, ये है 20 नंबर के। और इसकी ख़ास बात ये है कि इस हिस्से में कोई चॉइस नहीं है, ऊपर वाले हिस्से में चॉइस है 33%, लेकिन इस हिस्से में कोई चॉइस नहीं है और तमाम अज्जा लाजमी है, इनको लाजमी आपने जो है वो या तो टिक करना है या तो आपने क्रॉस करना है। ठीक है, इस तरह यानी कि आपने जो है वो अपने जहन के अंदर नंबरों की तकसीम के बारे में रखना है अमरानिया जो है वो बुक का, इस तरह जो है वो आपने नंबरों की तकसीम अपने जहन में रखनी है बुक अमरानियात की। इसका फ़ायदा ये है कि अक्सर बच्चों को पता नहीं चलता कि कौन सा हिस्सा जो है वो कितने नंबर का आना है, जब मैट्रिक के बाद जो फर्स्ट ईयर के अंदर जाते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद उनको जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो उनके नॉलेज के अंदर इजाफा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।